आज बनाओ, मांग के लाओ, बनाओ, खिलाओ, टिक्कर फेंको और अपने लिए देहरादून जाते हैं ना, मनीषा देवी करके एक अस्पताल है, तो कुमारी से आया तो मैं रम्मत में था सर, तो बाबाओं ने जब मेरे साथ के ऊपर से एक में दो तीन मारा मेरे को ऐसी चिमटे से, जब बेटा बताता मैं जो आया जमाल भूखा डाल दिया। गुरु महाराज ने पूछा बेटा क्या था, बोले गुरु जी अति तो किसी चीज की चलती नहीं है। बोले ये सब परेशान है, बीमार हो गए बेटा, बार बार भाग रहे हैं। बोले गुरु जी उस खाने के बाद तो ऐसे ही हो। बोले क्या है, बोले गुरु जी आज मैं सच भी बोलूं और झूठ भी बोलूं क्योंकि मैं कभी दिल में कुछ रख नहीं पाता। बोले क्या हुआ बेटा, मैंने बोला गुरु जी आप मेरे बाप हो, बोले हाँ, बोले आप मुझे लाकर खिलाओ, बड़ा किया सब, मैं आपको रोटी ना दूं तो मैं तो तेरे दो नहीं लगाऊंगा, मैं तो गुरी तो फिर चिल्ला काहे कर रहा हूं, ऐसे ही हुआ। बोले बात नहीं समझा, बोले गुरु जी सुबह 5 बजे से उठना पड़ता जी ये एरिया में, 5 बजे उठते ही नमो नारायण, ए उठ जाओ रे, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ढोल के निहार पानी कर लो, आज एकादशी है, ये व्रत रखना, ये घंटा तो चिल्लावे जी 4 बजे से उठ के, गांव में जावे घंटी बजावे, दूध मांग के लावे, चाय बना के खिलावे, रोटी लावे, आटा मांग के उसको बना के खिलावे। और गुरु जी मेरे नाम की ही ना थी तो भगवान ने इनको सजा दी है। गुरु जी कहे मैं समझ गया सजा किसने दी है। तो भिक्षा ऐसी होती है, हमारे महाराष्ट्र में इसको मधुकरी कहते हैं। गर्गाचार्य की जो प्रक्रिया, अनुसुईया के घर गए तो कहने लगे कि भाई मुझे भिक्षा चाहिए और रवि मैया निर्वस्त्र होके देगा, शक्ति की परीक्षा, कहे मिलेगा। माँ भगवती ने जल लिया, मैं तो भगवती ही कहता हूं ऐसी देवी को, सती ने कमंडल से जल उठाया और छिड़क दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे बच्चे होकर गोद में खेलने लगे। और माँ का तो स्वभाव है गोद में बच्चों को लेना, उसके लिए वस्त्र क्या और निर्वस्त्र क्या, वो तो जननी है। आलिंगन करने लगी और तीनों देवियां परेशान, हरि रेशम की डोरी, रेशम की डोरी सोने का पालना, रेशम की डोरी सोने का पालना, और झूल रहे तीन देव सती जी के अंगना, झूल रहे तीन देव सती जी के अंगना, झूल रहे तीन देव सती जी के अंगना। रेशम की डोरी, रेशम की डोरी सोने का पालना, झूल रहे तीन देव सती जी के आगना, झूल रहे तीन देव सती जी। तीनों देवियां हैरान हो गई, तो भक्ति में बड़ी ताकत है। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं विवाह करूंगा, विवाह किया और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कालियावान, कालियावान, कालियावान बड़ा हुआ तो जिसके गले लगे उसके हड्डी पसली टूट जाए, जिससे हाथ मिलावे उसके हाथ ही टूट जाए। वो खामंडल के राजा ने कहा भाई ऐसा है कि ये तो पूरे देश का ही जयराम जी कर देगा, इसलिए जिसकी अमानत उसको लौटा दी है। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, गर्गाचार्य ने आके कहा कालियावान तुम में कितनी शक्ति है,
कि अगर आप आदेश दो तो इस पृथ्वी को आकाश में और आकाश को पृथ्वी में ले आऊं, इतनी मुझे बता कर। और फिर उन्होंने कहा कि मैं सदैव यदुवंशियों का विनाश करूंगा। कृष्ण से ही तैयारी कर ली उसने युद्ध की थी। अगर बलराम ने एक शब्द नहीं कहा होता तो क्या कालियावान की उत्पत्ति होती थी? नहीं होती ना। कृष्ण से युद्ध करने लगा। भगवान परास्त होकर के अपने घर जाकर के बैठे हैं, चिंता होता है तो भाई दुनिया में आज ये जीत जाए पर घर में तो हारना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण भी हार गए कि अगर मेरे भाई ने गलत नहीं किया होता तो आज ये गुरुपुत्र मुझसे युद्ध थोड़ी करता। बैठ के चिंता मग्न है। तभी देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि ने कहा, प्रभु क्या कारण है? कहे, बस देवऋषि अब तो जी ऐसा करे सब छोड़ के चला जाओ। यही कारण है कि द्वारिका में मृत्यु, द्वारिका से भगवान वैकुंठ नहीं गए। घर में सब परेशान हो जाते, भगवान भी परेशान थे। वो भी जानते थे कि परिवार के लोग अब उग्र होकर अन्याय करने लगे। भगवान ने शरीर कहाँ छोड़ा है? सोमनाथ के पास एक गांव में। तीनों द्वारिका में नहीं छोड़ा, वैकुंठ जाना हुआ तो गांव में नहीं। बैठकर चिंता कर रहे हैं कि अगर बलराम ने ये नहीं किया होता तो आज ये भोगना नहीं पड़ता। अब मैं करूं क्या? एक तरफ धर्म तो दूसरी तरफ कर्म। ये मेरा गुरु पुत्र है, मैं इसे मार नहीं सकता। कहे तो बस इतनी बात। बोले हाँ। बोले ये तो मैं यूं अब करा दूं। बोले कैसे करा देंगे तुम? बोले इस बात का मेरे पास एक बहुत बड़ा इलाज है। बोले कौन? बोले ऋषि मुचकंद। कह मुचकंद ऋषि कहाँ? बोले इस समय वैकुंठ में भजन कर रहे हैं। तो बोले वैकुंठ से मेरे लिए आवेंगे क्या? बोले क्यों नहीं आओगे, लेके आना मेरा काम है। देव ऋषि मुचकंद को लेने के लिए गए हैं वैकुंठ में। भगवान के सामने बस एक ही काम कर रहे हैं, भजमन नारायण 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 नार
गुरु नारायण नारायण मुचकंद ऋषि से तर्क होता है। देव ऋषि नारद ने कहा कि मुझ में और आप में फर्क है। बोले क्या? बोले मैंने आज तक जो जब तक किया उसका कभी भोग नहीं, और आपने जो तप किया उसका भोग कर रहे हो। इसलिए आपका ये जब धन कोष खत्म हो जाएगा तो आप वैसे ही हो जाओगे। और उनकी बात सुन करके मुचकंद ऋषि पृथ्वी की ओर चले, और जैसे मुचकंद का आगमन हुआ छलिया ने पुनः युद्ध शुरू कर दिया। आचार्य जी और भागते हुए चले गए। मुचकंद के जितना भोग के बाद पुण्य शेष था, अग्निदेव को साक्षी बनाया। मुचकंद तप करने लगे, कृष्ण ने युद्ध छेड़ दिया। कालियावान ने जब कृष्ण के ऊपर प्रहार किया, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे कालियावान, भागते हुए चले जा रहे हैं। और हमारे नंदलाल ने हमेशा एक तीर से दो निशाना किया, इसीलिए उनका नाम छलिया भी है। समझे? जैसे ही भागते भागते अगले चरण में पहुंचते हैं, कृष्ण भाग कर ऐसी जगह घुस जाते हैं जहां पे मुचकंद ऋषि तप कर रहे थे, और अपनी पीतांबरी उड़ा करके मुचकंद के ऊपर डाल देते हैं। तो क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, उसे यही नहीं पता रहा कि सिर पटकने के बाद तकलीफ मुझे ही होगी, सामने वाले को कुछ नहीं होगा। क्रोध में मुचकंद ऋषि पर कालियावान भड़क गया। अरे भले मानस, कम से कम ये तो देख लेता पीतांबरी के आड़ में कौन है, तो मेरा शत्रु है या मित्र है। भगवान कृष्ण ने अपनी पीतांबरी उड़ा करके मुचकंद को डाल दी, और कालियावान क्रोध में आया, कहता वारे वाह छलिया, अभी तक हजारों पटरानियों से रंगरेलियां मनाई, अब बन गया तपस्वी, अब तेरा दो मिनट में ढोल निकाल दूंगा। उसे ज्ञान नहीं होता, जब आदमी क्रोध में अंधा होता है ना तो कुछ भी याद नहीं होता है। आप भी बहन जी घर में जब कभी झगड़ा होता है ना, आप नहीं, हमारे जलगांव वाली बहन जी, आप तो बहुत अच्छी है ना, महाराष्ट्र नहीं, यहाँ के लोग इकड़चे लोग को चांग में आए थे सर, हम चकड़ची गोष्ठी थी। घर में जब झगड़ा होगा तो